सम्राट उपाध्याय ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अपने ब्लॉग में आज कुछ अलग शूट कर रहा हूं क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं क्या कि ये जो ट्रैफिक सिस्टम है, ठीक है, मैं अक्सर देखता हूं कि यहां पर आने के बाद जो है अगर आपके पास हेलमेट नहीं है या मतलब आप जो है मास्क नहीं पहने हैं तो आपको यहाँ क्या जो ट्रैफिक पुलिस है आपको पकड़ लेती है और आप पे फिर फाइन हो जाता है। फिर आप कहते हैं कि फ़ाइन ज़्यादा है कम है या फिर ये नहीं होना चाहिए तो या फिर ज़्यादा कर दिया गया है। तो आज मैं उसी चीज़ के शंका को दूर कर देता हूँ कि फ़ाइन कितना होना होता है और आपको क्या लगता है। मेरे साथ मौजूद हैं ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका नाम क्या हुआ? मुन्नू कुमार। मुन्नू कुमार, कब से पोस्टिंग है आप? हम पटना में 2 वर्ष से। पटना में 2 वर्ष से पोस्टिंग है? यही? नहीं नहीं नहीं, अलग से। यहाँ एक डेढ़ महीना यहाँ हुआ। एक डेढ़ महीना हुआ। मैं बता दूं कि पटना की सबसे बिजीएस्ट सड़क है, ये कारगिल चौक है। कारगिल चौक गांधी मैदान का जो क्षेत्र है ये, और यहीं से रूट जो है सीधे देखिएगा तो ये स्टेशन रोड की ओर जाता है। अगर मैं राइट साइड की बात करूं, मैं दिखाना चाहूँगा, ये राइट साइड जो है पटना सिटी की ओर जाता है। अगर मैं अपने लेफ्ट साइड की बात करूँ, मेरे से मतलब लेफ्ट साइड यहाँ देखिए, जो कि आपको ये कुर्जी मोड़ दानापुर इसका इलाका जो है सीधे की ओर जाता है, तो पटना की सबसे बिजीएस्ट रूट है ये। और इसमें जो है ट्रैफिक सिस्टम अगर मतलब स्ट्रिक्ट नहीं हो तो घटनाएं हो सकती हैं और होती भी हैं अगर आप रफ बाइक कर चलाते हैं या फिर रफ कार ड्राइव करते हैं तो। सर कितना फाइन बनता है? हम बता देते हैं। हाँ, हेलमेट का 1000 फाइन होता है। हेलमेट का यहाँ तो पदाधिकारी के पास मशीन अभी उपलब्ध है ही। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ अगर गाड़ी उल्टा पकड़ा जाने के बाद में थाना पर लगाया जाता है। हाँ। डीएसपी ओम साहब के नाम से वहाँ से पुर्जा बनता है। अच्छा अच्छा। वो जाती है तो वहाँ अगर मान लीजिए जो हेलमेट नहीं है तो 1000 रुपये का चलान। अच्छा अच्छा। लाइसेंस अगर उल्टा नहीं है तो लाइसेंस का चलान है 5000। प्रदूषण से अन्य कागजात के ऊपर से कोरोना के मंजर देखते हुए वो कागजात का जवाब नहीं दिया गया। अच्छा अच्छा, मतलब ये सीन नहीं बताया गया। अच्छा, ये जो एक और सीन मतलब देखता हूँ, मतलब चाबी निकाल के भागने वाला? नहीं, चाबी निकालने का प्रयास हम लोग कोई नहीं करता है। अच्छा, कोई नहीं करता? नहीं, कोई नहीं करता है, क्योंकि जब ना रोकने का प्रयास लोग करता है। हाँ। गाड़ी रुक जाए। हाँ। अंत में वहाँ लोग जाकर तो गाड़ी रुकता है। हाँ। तब कहते हैं तब गाड़ी बाएं लगा दी, चाहे दाएं लगा। ओ, मतलब आप निकाल के चाबी भागते नहीं है? कभी कभी सुनने में आता है कि मतलब ट्रैफिक पुलिस वाले हैं चाबी निकाल के भाग गए, उल्टा दिशा में चलने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं ना है? ओ ठीक है फिर। और मतलब आप हेलमेट का 1000, 5000 किसको बताए थे? लाइसेंस का 5000। अगर ये सब मतलब नंबर कागजात अगर है, हाँ हाँ, अगर नंबर प्लेट नहीं है तो 500। नंबर प्लेट नहीं है तो 500 रुपये। आगे अगर नंबर प्लेट, अच्छा मान लीजिए गाड़ी चोरी का है, ये कैसे पता चलेगा आपको? तो गाड़ी चोरी का है तो देखा जाता है मोबाइल से, नेट पर देखा जाता है, परिवहन विभाग द्वारा देखा जाता है। सब यहीं से देख लेते हैं आप? हाँ, परिवहन विभाग। अच्छा, एक और बात बता आपसे पूछना चाहेंगे स्पेशली, ये जो मतलब यहाँ दिखाओ जरा, आप चेक पोस्ट के पास जो ये जो मतलब ये चाय की जो प्याली फेंकी गई है और ये सब गंदा कूड़ा करकट ये सब, सर तो अन्य गाड़ी वाले पब्लिक लोग गाड़ी वाले लगाते हैं। हाँ। अन्य लोग आते हैं तो लोग फेंक कर देते हैं। आप लोग मना नहीं करते? मना करते हैं। हाँ। फिर भी कहते हैं गलती हो गया। बताइए तो मोदी जी स्वच्छता अभियान ला रहे हैं और ये सब क्या हो रहा है? मना करिए रहे हैं फिर भी कहता है गलती हो गया सर, सॉरी सर, अब नहीं। अच्छा अच्छा, माफ़ कर देते हैं आप लोग, बड़ा दिल है। हाँ। अच्छा, एक और बात बताइएगा सर, जैसे मान लीजिए किसी का बीच रास्ता में, जैसे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कारगिल चौक है और सेंटर में चारों तरफ से गाड़ियाँ जो है क्रॉस करती नजर आएंगी, अगर बीच में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर आप लोग कैसे मतलब उसको सपोर्ट करते हैं? या हम बता देते हैं। हाँ। सामने में अगर एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ। तो आगे की गाड़ी को हाथ देके रोक देते हैं। अच्छा, रोक देते हैं। हाँ, गाड़ी को रोक देना है, उस गाड़ी को पर लाद करके उसे से पीएमसी ले जाते हैं। मतलब आप ही लोग ले जाते हैं? हाँ, अगर लवारी से है तो हम लोग ले जाते हैं। हाँ। कोई आदमी साथ में है तो उनको सहूलियत से भेज देते हैं। बताइए आप लोग कितना झूठ बोलते हैं जी कि ट्रैफिक पुलिस मतलब इतना सपोर्ट नहीं करता है। अब क्या चाहिए, लाद के आपको पीएमसी ले जाते हैं? अगर नहीं भरोसा है। हाँ। तो रात अपने हम पहुँचाए लवारिस को, वहाँ सिग्नेचर का कागजात भी बता सकते हैं। अब बताइए पटना पुलिस जो है, ये ट्रैफिक पुलिस जो है इतनी मतलब तत्परता के साथ काम कर रही है, इतनी मतलब सपोर्टिव है, फिर भी लोग बोलते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है मतलब इतना आपके लिए मतलब जिम्मेदार नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भाग रही है। देख लीजिए, इसलिए हम लाइव सारा चीज़ को लाइव कर देते हैं। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को और पटनाइटिस के पास पहुँचाइएगा कि ये वीडियो जो है कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।
और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो इतनी जो रियल इन्फॉर्मेशन जो थी हमारे साथ दी। बाकी तो व्यूवर्स आपको फीडबैक नीचे कमेंट में आपको देंगे कि आपने क्या सही किया। ठीक है सर, मिलते हैं आपको फिर अगले कुछ वीडियो में, अगर कुछ ऐसी घटनाएं हुई फिर रिपोर्ट करेंगे आपके पास। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।